हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। सो बात करने जा रहे हैं नकोदर के फ़कीर शहनशाह बाबा लाडी शाह जी की, और फ़कीर से वही मांगना जो फ़कीर से मांगने वाला हो। कुछ गलत मत मांगना, और उनकी दी हुई चीज़ का, जैसे कहते हैं ना, इबादत का कभी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे उनकी दी हुई चीज़ का कभी गलत उपयोग मत करना। कहीं गलत रास्ते मत डाल देना उसको, वरना नुकसान अपना ही। ये बात ऐसे हुई कि साईं जी के रिश्तेदारों में से थे कोई, तो वो साईं जी के पास रिश्तेदार थे, उनकी औरत आती थी, तो वो साईं जी से आना, साईं जी से मिलना, और मन में पैसे की जो बात होनी तो साईं जी ने दे देने। तो बड़े उनको लोगों ने समझाया कि अब वो फ़कीर हैं, वो आपके कुछ नहीं रहते, अब जो फ़कीर हो गए वो दुनिया से अलग हो जाते, तो उनसे ऐसे बार बार नहीं मांगना चाहिए, भी जो दे दिया उसमें सब्र रखना चाहिए। पर वो जैसे वो बोले कि ले फिर क्या हुआ, हमारे ही तो हैं, ऐसे थे कुछ साईं जी का से। तो साईं जी ने एक बार उनके ऊपर ऐसा वक्त आ गया, वो जो उनकी मुरीद थी जो साईं जी के पास आते थे, जो रिश्तेदार, कि उनको कोई पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो साईं जी को पता था यहाँ, तो उनका लड़का आया, तो साईं जी ने ना कहते कि पैसे रखे हुए थे और उसके लड़के को दे दिए, उस भी औरत के, और बोला कि इसको माँ को ही देना, अपनी सही रास्ते पर लगाना, रास्ते में कुछ गलत मत करना, ये बोल दिया। अब कुछ लगते थे साईं जी के, जो बात सुनने में आई कि रिश्तेदारों में से थे साईं जी के कोई, तो साईं जी ने उसको ये बात बोल दी। तो कहते हैं कि वो लड़का जो था, वो रास्ते में कुछ सामान वगैरह लेता था, वो मॉर्फिन वगैरह ट्राई करता था। तो ये बात बड़ी पुरानी है, बात है ये काफ़ी पुरानी बात है, कम से कम 2013 की ये बात बताई हुई है किसी की, तो सुनने में आया जो वही आपको बता दिया। तो कहते वो मॉर्फिन लेता था, अफीम का जो था वो उसको था, तो उसने अफीम ले ली, साईं जी के पैसे जो दिए हुए थे उसमें से उतने कुछ पैसे लिए, उसकी अफीम ले ली। अब साईं जी ने उसको पहले ही बोल दिया था कि रास्ते में इसका कुछ गलत उपयोग मत करना, ये जाके अपनी माँ को दे देना, क्योंकि उसको ज़रूरत थी। उस लड़के ने ले लिए। अब कहते हैं कि उसने वो खा ली, जब खाई ना उसके बाद से उसके पेट का जो स्टमक थी उसकी ख़राब होनी शुरू होगी, इंटेस्टाइन जो होती है ना, जिसे आंत कहते हैं, बड़ी आंत छोटी आंत होती है पेट में, वो ख़राब होनी शुरू हो गई। और जो हमारा मल होता है ना, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, कहते हैं वो अंदर जमना शुरू हो गया। अब वो जमता गया, पहले तो दवाइयाँ खाता रहा, वो दवाइयाँ काम नहीं आई, डॉक्टर को दिखाम नहीं आया। कहते हैं कि फिर उसका ऑपरेट करके उस इंटेस्टाइन को साफ करना पड़ा, और फिर उसने जाके जब वो हुआ सारा ऑपरेट, तो उसने माफ़ी मांगी कि साईं जी आपने कहा था मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। तो फ़कीर की बात को कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए। फ़कीर ने जो बोला है, साईं जी ने जो बोला है, और साईं जी तो ऐसे फ़कीर थे कि उनकी अगर उन्होंने 110 बातें कही है ना, तो 110 बातें ही सत्य होगी। जैसे कुछ फ़कीर होते ना, कुछ कह देते नहीं हो पाता है कोई बात, पर ये ऐसे फ़कीर थे कि जो बोल दिया ना वो होकर ही रहेगा, 100% होकर रहेगा। और ये साईं लाडी शाह जी की रहमतें बोलती हैं, साईं लाडी शाह जी की जो लोग उन्होंने दर्शन कर रखे हैं वो बताते हैं कि इतनी सच्चाई, उनको सब कुछ ही पता होता था, ऐसा कहीं भी नहीं देखा हमने, ऐसे फ़कीर हमने कहीं नहीं देखे, और ये साईं लाडी शाह जी की मौज। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, हमारी ये बातें और साईं जी की असल वाक्या और भी इंस्पिरेशनल या मोटिवेशनल स्टोरी जो इस चैनल पे आती है, अगर अच्छी लगती तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको रहमत का अगर नज़रिया नज़र आता है यहाँ चैनल में, तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।